नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त योगेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उल्वे प्रॉपर्टी मार्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास फिर से एक नया 2 BHK की इन्वेंट्री आई है जो कि काफ़ी प्राइम लोकेशन पे और काफ़ी बेस्ट जगह पे है, और इतना बड़ा 2 BHK का ऑप्शन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं फ्लैट में और दिखाता हूँ कितना बड़ा आपको इसमें फ्लैट मिल रहा है। तो आइए चलते हैं फ्लैट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम अपने लिविंग रूम पे आ चुके हैं। ये आप प्रॉपर देख सकते हैं कि 11x17 का आपको काफ़ी बड़ा लिविंग मिल रहा है दोस्तों, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। साथ ही आपका जो हॉल है ना, ये लिविंग रूम आपका एल शेप में है जिसमें आपको 11x17 का काफ़ी बड़ा आपका हॉल प्लस 7x5 का आपको इसमें काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया मिलता है दोस्तों। ये आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस है आपके इसमें। साथ ही आप इसकी सीलिंग हाइट देख सकते हैं, कम 10 फीट का आपको काफ़ी बढ़िया, 9.5 से 10 फीट का आपको काफ़ी बड़ा सीलिंग हाइट मिल रहा है। साथ ही दोस्तों आइए आपको मैं दिखाता हूँ इसका बालकनी, कि कितना बड़ा बालकनी है इसका। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपको इसमें 5x11 का काफ़ी बड़ा बालकनी मिल रहा है दोस्तों। आप चाहें तो आप इसमें आपको झूला लगा सकते हैं, नहीं तो शाम को आप 2 चेयर डाल के, एक टेबल डाल के टी कॉफ़ी या आपने किसी भी नाश्ते का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही इसका व्यू तो अब कुछ कहना नहीं दोस्तों, कितना बेस्ट का व्यू है। जो ये व्यू मैं तभी दिखाऊंगा जब आप आएंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने किचन पे और आपको दिखाता हूँ किचन की। हॉल तो इतना बड़ा है, अब इसका किचन कितना बड़ा है ये आपको दिखाता हूँ। तो आइए ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने किचन पे। तो दोस्तों जैसा आपने हॉल देखा ना, ठीक हॉल के ही हिसाब से आपको इसमें किचन मिल रहा है। ये आप देख सकते हो 2 प्लेटफॉर्म, ये आपका मेन प्लेटफॉर्म, ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म, जिसमें से कि 10x8 का आपको किचन मिल रहा है दोस्तों, काफी बड़ा। जिसमें 2x10 का तो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो मेन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। और इधर भी आपको 2x8 का काफ़ी बढ़िया आपको सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है दोस्तों। साथ ही इसमें आपको ये रहा फ्रिज एरिया, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस आपका डबल डोर फ्रिज बड़ी आसानी से यहाँ पे फिट हो जाएगा, इतना बड़ा आपको फ्रिज एरिया मिलता है। साथ ही इसमें आपको फ्लावर बालकनी का इसमें भी ऑप्शन है। ये फ्लावर बालकनी मैं आपको आपके अटैच बेडरूम से दिखाता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं अपना कॉमन बाथरूम, फिर देखते हैं अपना गेस्ट रूम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये आपका पहला कॉमन बाथरूम है जो कि 4x7 का काफ़ी बढ़िया बेस्ट एंड टॉयलेट के साथ। आप इसकी वॉशरूम की हाइट देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इसकी वॉशरूम हाइट है, कम से कम आपको इसमें 7 फीट का डोर मिल रहा है दोस्तों। साथ ही आपके इधर साइड में पीछे डक्ट एरिया है, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन आराम से फिट कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी बड़ा आपको इसमें डक्ट एरिया भी मिल रहा है दोस्तों। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं आपके गेस्ट रूम पे और आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना हुआ गेस्ट रूम। तो दोस्तों ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको एक छोटा सा बेसिन मिलता है, और ये पैसेज आप देख सकते हैं अपने बेडरूम में आने के लिए। और ये रहा आपका गेस्ट रूम जो कि आप देख सकते हैं 8 फिट का काफ़ी बड़ा डोर मिल रहा है। साथ ही 11x11 का आपको काफ़ी बड़ा गेस्ट रूम मिल रहा है दोस्तों, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको 2 फिट का काफ़ी बड़ा फ्लावर बालकनी का ऑप्शन है जो कि आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आपका किचन के साथ कंबाइंड है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आपको फ्लावर बेड मिल रहा है। यहाँ पे खड़े होकर आप क्या बेहतरीन बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो जो आप आएंगे तो आपको मैं आपका इसका व्यू दिखाता हूँ, कितना जोरदार इसका व्यू है। और आइए अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम पे और आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये हम पहुँच चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम में जो कि 11x12 का काफ़ी बड़ा आपको मास्टर बेडरूम मिलता है दोस्तों, साथ ही अटैच बाथरूम के साथ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये रहा आपका अटैच बाथरूम, इसकी एक बहुत बड़ी आपने अभी तक देखा होगा दोस्तों, हर वॉशरूम में एक लिमिट तक आपको टाइल्स मिलती है, बट इसमें आपको पूरा सीलिंग हाइट तक टाइल्स लगा के मिल रहे हैं दोस्तों पूरे चारों तरफ से। साथ ही इसमें आपका जो बेसिन है ना दोस्तों वो इतना बड़ा मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना स्पेस के साथ मिल रहा है। इसके नीचे अगर आप वार्डरोब भी बना लेते हैं ना तो आपको सारा वॉशरूम का मैनेजमेंट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब मैं इसमें आपको बालकनी दिखाता हूँ, इसमें भी आपको काफ़ी बड़ी बालकनी मिलती है दोस्तों।
ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको 5x5 का काफी बड़ा बालकनी मिल रहा है दोस्तों, प्रॉपर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने लिविंग पे और बाकी डिटेल्स आपको देता हूँ लिविंग में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि काफी बढ़िया पैसेज था। और दोस्तों ये G+13 के टावर में 2 BHK का काफी बेहतरीन इन्वेंट्री है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस फ्लैट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों जगह मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉल करके विजिट कर सकते हैं। ये इतना बिग साइज का 2 BHK आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बिग साइज का 2 BHK उलवे में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, जिसका करीब बिल्डअप एरिया आपको 1300 से प्लस के दिख रहा है दोस्तों। तो आप एक बार मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, बाकी डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पता बदले किस्मत बदले।